जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चैप्टर 13 का टेक्स्ट 26 शेयर करना चाहूँगा। अगेन देर आर दोज हु ऑल्दो नॉट कन्वर्सेंट इन स्पिरिचुअल नॉलेज बिगिन टू वर्शिप द सुप्रीम पर्सन अपॉन हियरिंग अबाउट हिम फ्रॉम अदर्स बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू हियर फ्रॉम अथॉरिटीज दे ऑल्सो ट्रांसेंड द पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ। आइए फ्रेंड्स हिंदी में पढ़ें। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले श्लोक में भगवान ने अलग अलग तरीके बताए थे जिससे लोग भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन, नॉलेज, निष्काम कर्म। अब भगवान यहाँ पे एक और कैटेगरी के लोगों की बात बता रहे हैं जो एज सच जिनको दिव्य ज्ञान या स्पिरिचुअल नॉलेज तो नहीं होती लेकिन उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है श्रवण की, सुनने की। वो जो लोग डिवोशन में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो उनकी बातें रिस्पेक्टफुली सुनते हैं, और जब वो रिस्पेक्टफुली सुनते हैं तो सडनली उनको भी लगता है ये बात तो सही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, और फिर वो भी भगवान की भक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस तरह से वैसे लोग भी जन्म और मृत्यु के सागर से अपने आप को मुक्त करा के भगवान के धाम जा सकते हैं। फ्रेंड, जो किसी को सुनना है ना, ये एक कॉमन क्वालिटी नहीं होती, ये भी बहुत दिव्य गुण होता है किसी को सुन पाना। आज की डेट में कलयुग में अहंकार इतना बड़ा हुआ है कि ज़्यादातर लोग तो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते। तो जिसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होगी ये समझेगा नहीं यार ये इंडिविजुअल इतना अच्छा कर रहा है, क्योंकि देखिए जो भक्ति में आगे बढ़ रहा होगा उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अगर कोई विनम्र होगा वो पहचान पाएगा उसको कि कौन भक्ति में आगे है और कौन आगे नहीं है, राइट। इसके लिए तो रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। जो पर्सन हैप्पी रहता है, पॉजिटिव है, सबके साथ रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में एडवांस हो गया है। तो ऐसे इंडिविजुअल से अगर कोई विनम्र होके गाइडेंस लेना शुरू कर दे तो ऑटोमेटिकली उस इंडिविजुअल का भी जो गाइडेंस ले रहा है प्रमोशन होना शुरू हो जाएगी इस रास्ते पे, और उस तरह से वो भी स्पिरिचुअलिटी में एडवांस कर सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ कोई हमें ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई डिग्री मिलेगी या यू नो कोई कपड़ों से हम पहचानेंगे अथॉरिटी कौन है। अथॉरिटी मीन्स जो एक्सपीरियंस्ड है इस बात पे, राइट। जैसे अगर कोई सेवन्थ में बच्चा है तो वो थर्ड स्टैंडर्ड के लिए, फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए, फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए, सिक्स स्टैंडर्ड के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो वो उनको गाइड कर सकता है। तो वैसे भी डिवोशन के रास्ते में भी लेवल्स होते हैं। तो अथॉरिटी मतलब जो सिंसेरिटी से डिवोशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है और जो आपके कंपैरिजन में, आपकी तुलना में आपसे कुछ कदम आगे है, अगर आप उसकी बात सुनना शुरू कर दोगे तो आप भी डिवोशन के रास्ते में आगे बढ़ जाओगे। उसका प्रमाण आपको मिलेगा, आपके जीवन में चिंता घटना, सारी की सारी नेगेटिव क्वालिटीज़ अगर परसेंटेज में नीचे आ रही हैं और आपकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ परसेंटेज में ऊपर जा रही हैं, तो जो भी गाइडेंस आप ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, वो अच्छी गाइडेंस है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है और आप गाइडेंस ले रहे हो, साल हो गया, दो साल हो गया, तो आपको या तो गाइडेंस पे क्वेश्चन उठाना चाहिए या फिर ये पूछना चाहिए अपने आप से कि जो गाइडेंस आप ले रहे हो क्या उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट करते हो या नहीं करते हो। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।